बिग बॉस ओटीटी के घर में शमिता शेट्टी राकेश बापट की केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया। दोनों के बीच की प्यार भरी बातें और नोकझोंक भी लोगों को खूब पसंद आई। अब लगता है कि दोनों मिलकर एक दूसरे को समझना चाहते हैं, जिससे रिश्ता आगे बढ़ सके। तभी तो राकेश बापट और शमिता शेट्टी शुक्रवार को एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुए। मुंबई में स्थित बेस्टर्न रेस्टोरेंट में दोनों सेलेब्स डिनर डेट के लिए पहुंचे थे। दोनों ने बाहर पेपराजी को पोज भी दिए। इस दौरान राकेश और शमिता एक दूसरे को पकड़े हुए थे। दोनों ने बेहद प्यार से मुस्कुराते हुए मीडिया को पोज दिए। बेज आउटफिट में शमिता काफी खूबसूरत लग रही थी, वहीं राकेश ब्लैक शर्ट ब्लू डेनिम पहने काफी हैंडसम लग रहे थे। बिग बॉस ओटीटी के घर में शमिता ने कई बार खुलकर इस बात को स्वीकारा था कि वो राकेश को पसंद करती हैं और ये रिश्ता आगे ले जाना चाहती हैं। वहीं राकेश भी कह चुके थे कि उन्हें शमिता पसंद है। राकेश ने शमिता से कहा था कि वो बिग बॉस के घर से बाहर उनसे मिलेंगे, लेकिन लगता है कि राकेश और शमिता ने अब अपने रिलेशनशिप को कंफर्म कर दिया है। दरअसल राकेश बापट ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। इस तस्वीर में राकेश और शमिता एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। तस्वीर में दोनों के केवल हाथ ही नजर आ रहे हैं। इसके साथ राकेश ने लिखा, तुम और मैं। वही राकेश की इस पोस्ट को शमिता ने भी रीशेयर किया है। अब इसे देख राकेश और शमिता के फैंस भी अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद दोनों ने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म कर दिया है। वहीं बिग बॉस ओटीटी के बाद अब शमिता जल्द ही बिग बॉस 15 के घर में भी जाने वाली हैं। शमिता उन 5 कंटेस्टेंट में शामिल हैं जो बिग बॉस के घर में जाएंगे। शमिता के अलावा निशांत भट्ट, प्रतीक सहजपाल, डोनल बिस्ट और बिग बॉस 13 के रनर अप आसिम रियाज के भाई उमर रियाज ने अपनी जगह कंफर्म सदस्यों में पक्की कर ली है। अब जब शमिता बिग बॉस के घर में होंगी तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या राकेश शमिता से मिलने शो में जाएंगे या फिर वो भी इस शो का हिस्सा होंगे। बिग बॉस 15 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जिसका प्रसारण सोमवार से शुक्रवार तक रात 10:30 बजे होगा, जबकि शनिवार रविवार यह रात 9:30 बजे आएगा। अभिनेता अक्षय कुमार के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब अक्षय की फिल्म सूर्यवंशी सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फैंस बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से सिनेमा घर खुलने जा रहे हैं, जिसके साथ ही फिल्म की रिलीजिंग की जानकारी फैंस को दी गई। करण जौहर ने पोस्ट शेयर किया, उन्होंने लिखा, 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में सिनेमा घर खुलने जा रहे हैं। आखिरकार हम कह सकते हैं कि आ रही है पुलिस। सूर्यवंशी रोहित शेट्टी की फिल्म आ रही है इस दिवाली। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सूर्यवंशी दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म बीते साल रिलीज होने वाली थी, मगर कोरोना महामारी की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। तब से अब तक ये फिल्म पोस्टपोन होती आ रही थी। सूर्यवंशी की रिलीज के बारे में अक्षय कुमार ने भी पोस्ट शेयर करके जानकारी दी है। उन्होंने रणवीर सिंह, अजय देवगन और रोहित शेट्टी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, बहुत सारे परिवार श्री उद्धव ठाकरे जी आपको शुक्रिया कह रहे होंगे। बहुत शुक्रगुजार हूं कि 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में सिनेमाघर खुलने जा रहे हैं। अब किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। आ रही है पुलिस दिवाली 2021। आपको बता दें कि सूर्यवंशी में अक्षय के साथ कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आने वाली हैं। वहीं अजय देवगन और रणवीर सिंह गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर
रिलीज हो चुका है। अब बस सभी को फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है। दिवाली के मौके पर हॉलीवुड फिल्म इंटरनल्स रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म भारत में 6 भाषाओं में रिलीज होगी। दिवाली के मौके पर अब सूर्यवंशी और सुपर हीरोज की भिड़ंत होने वाली है। अगर दिवाली पर कोई और फिल्म भी आ रही होती है तो इसका फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़ेगा। सूर्यवंशी के अलावा अक्षय कई बड़ी फिल्में लेकर आ रहे हैं, जिनमें बच्चन पांडे, रक्षाबंधन, राम सेतु सहित कई अन्य फिल्मों के नाम शामिल हैं, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं फिल्म की अभिनेत्री कैटरीना कैफ सलमान खान के साथ रशिया में अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि सूर्यवंशी दर्शकों को कितनी पसंद आती है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें एक एप्लीकेशन के जरिए पब्लिश करने के गंभीर आरोप लगे थे। राज को 50,000 रुपए के मुशलके के बाद जमानत मिली है। इस सब की वजह से शिल्पा बीते कुछ महीनों से काफी मुश्किल भरे दिनों से गुजर रही थी। हालांकि अब राज को जमानत मिलने के बाद शिल्पा ने चैन की सांस ली है। अब शिल्पा खुद को रिकवर करने में जुटी हुई है। शिल्पा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में शिल्पा ने इसी तरह बताया कि वो अब रिकवरी की राह पर हैं। शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की है। ये एक किताब का लिया हुआ कोट है, जिसके जरिए शिल्पा ने रिकवर होने को लेकर बात की है। इस कोट में लिखा है, हम सभी ने सुना है कि सफरिंग हमें स्ट्रांग बनाती है, जो हम मुश्किलों से सीखते हैं। यह सच हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। मुश्किल समय हमें बेहतर बनाता है, मुश्किल समय में काम करना हमें बेहतर बनाता है। सफरिंग हमें वो ताकत देती है जो हमें भी नहीं पता होता कि हमारे पास है। इसके जरिए शिल्पा ने बताया कि वो स्ट्रांग है इस समय से रिकवर करने के लिए। जब राज जेल में थे तो शिल्पा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पवित्र गुफा पहुंची थी। खबरों की माने तो शिल्पा को माता के दरबार तक हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन त्रिकुटा पर्वत के आसपास धुंध के कारण शिल्पा का हेलीकॉप्टर सेवा स्थगित कर दी गई थी। शिल्पा पहले भी माता के दर्शन के लिए जा चुकी हैं। शिल्पा का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह माता के मंदिर जा रही थी। बात करें शिल्पा की तो पति की गिरफ्तारी के बाद से ही शिल्पा बहुत हिम्मत से पूरे परिवार को संभालती नजर आई। शिल्पा ने हर तरह से परिवार को इस मुश्किल वक्त से उबारने का काम किया। उन्होंने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी पूरे किए। वो लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रही। शिल्पा इन दिनों सुपर डांसर चैप्टर 4 को जज करती नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि शिल्पा शेट्टी ने जब रियलिटी शो से ब्रेक लिया था, तब लोग उन्हें भी लेकर सवाल खड़े करने लगे थे। इतना ही नहीं, शिल्पा को रिप्लेस किए जाने को लेकर भी खबरें जोरों पर थी, लेकिन उन्होंने शो पर वापस आकर इन सब अफवाहों को गलत साबित कर दिया। Now and press the bell icon. Never miss an update.